ये बीच में ये चलता है, ये बीच में अच्छा, फिर ये सिल जाता है, ये जो कुर्सी सूखता है तब ये सिल खजूर के अच्छा नारियल का पाइप होगी ना बीच में इसके साथ ही थोड़ी कमरा बनाया आप सबका शुक्रिया कि आपके माध्यम से एज ए सीईओ कठुआ मैं ये कहना चाहूँगा जो हमने जो एग्जीबिशन आज लगाई है ये स्वच्छता अभियान के तहत जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारा होता है प्लास्टिक का उसके बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से इनको डिपिक्ट किया है जहाँ कि उसका हम क्या क्या बना सकते हैं और हम आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता अभियान जो अभी दोबारा 2 अक्टूबर से गांधी जयंती महात्मा गांधी स्टार्ट होने वाला है तो इसमें हम बच्चों को और आम पब्लिक को ये बच्चे हमारे जागरूक कर रहे हैं कि जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो नाली में जाता है जो डिग्रेडेशन ऑफ द ग्राउंड अर्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डैमेज करता है उसमें हम उसको किस तरह रीयूज कर सकते हैं रीसाइकिलिंग कर सकते हैं तो यही मेरा संदेश है कि हम बच्चों को यही बच्चों के माध्यम से और एज एडमिनिस्ट्रेशन की जैसी इंस्ट्रक्शन है और जहाँ जैसे हमें हायर अथॉरिटी से ऑर्डर है तो हम बच्चों को इन्वॉल्व करके एक मास कंपेन चला रहे हैं ताकि हमारा समाज जो है वो जागृत हो जाए और ये हमारा जो स्वच्छता अभियान है इसमें हमारी पूरी कामयाबी मिले और जो हमें कोविड 19 से भी हमें निजात मिलेगी इससे जो मैं समझता हूँ दूरदराज कंडी क्षेत्र और खास तो ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल कंपेन है इसमें बच्चा इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से सीखता है और जो कंसेप्ट है उसका थ्रेटिकली भी और वो प्रैक्टिकल शेप में कन्वर्ट होता है तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को अच्छी लर्निंग मिलेगी इससे और वो ये मैसेज बच्चों के थ्रू एज ए एम्बेसडर वो हमारे समाज में दे जाएंगे।